नमस्कार दोस्तों, आइए जाड़े का सीज़न है, आज हम आपको सिंपल मटर की घुंघरी बनाना बताते हैं जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हम आपको इसी तरह से घरेलू किचन का सामान बनाना बताएंगे और टिप के साथ। चलिए देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए। एक कढ़ाई में हमने 2 चम्मच तेल डाला है। ये आलू है जिसको हमने इस तरह से काट लिया है, देखिए ये डायमंड शेप में हमने छोटा छोटा काट लिया है। और ये मटर है, कोशिश यही कीजिएगा कि आप ताज़ी मटर की ही घुंघरी बनाइए जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है, मटर मीठी होती है। तो ये 1/2 kg मटर है छिला हुआ। लहसुन है 10-12 कली जिसको हमने काट लिया है इस तरह से। ये हरी मिर्च है, इसको भी हमने काट लिया है। ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा है। नमक है, स्वाद के अनुसार आप नमक डालिएगा। देखिए तेल गर्म हो चुका है, हम सबसे पहले इसमें हरी मिर्च डालेंगे। फिर हम ये लहसुन डालेंगे, इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। इसको लहसुन भूरा नहीं करना है, इसको हल्का सा सौते करना है। अब हम इसमें ये अदरक का टुकड़ा डाल देंगे। ये हल्का सा इसको हम भून लेते हैं। देखिए ये इस तरह से होना चाहिए। अब आइए इसमें हम ये आलू डाल देते हैं। अब इसमें ये मटर हमने डाल दिया है। इसको आप अच्छे से चला दीजिए। देखिए ये एकदम सिंपल तरीके से घुंघरी बनी हुई है। अब आप इसमें अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिए। इसमें नमक हल्का ही रखिएगा। अब आइए इसको हम ढक देते हैं। 5 मिनट तक आप ढक के इसको गैस की फ्लेम धीमी कर दीजिए मीडियम और इसको पकाइए। आइए 5 मिनट हो गया है, इसको देखते हैं। ये देखिए घुंघरी हमारी पक चुकी है। आइए अब हम गैस ऑफ करते हैं। अब आइए इसको हम सर्व करते हैं। हमने इसमें धनिया की पत्ती का इस्तेमाल नहीं किया है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप ऊपर से डाल सकती हैं। कि ये गर्मा गर्म घुंघरी बन के तैयार है, चाय के साथ आप इसको नाश्ते में लीजिए। धन्यवाद।